हेलो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं रेंच सिमुलेटर। और रेंच सिमुलेटर के जो पिछले वाले एपिसोड था उसमें गाइस हमने बहुत सारा सॉसेज बनाकर बेचा था और भाई हमें $29,000 हमें मिले थे और अभी मेरे पास टोटल है $39,000। तो गाइस आज के इस वाले वीडियो पे ना हम गाँव का मिल्क निकालने वाले हैं और चीज़ बनाएंगे। सो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि यहाँ पे देखो भाई, मैं काऊ के बनर्स पे आ गया हूँ और काऊ ने बच्चे दे दिए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे जो काऊ के बेबी है ना, यहाँ पे आ गए हैं। मैंने सोचा कि काऊ की बेबी नहीं होगी, खुशखबरी है, क्योंकि भाई इन सभी का भाई मिल्क होने वाला है। जितने काऊ आएंगे ना उन सभी का मिल्क होगा और उनका मिल्क लेकर मैं चीज़ बनाऊँगा फिर। और चीज़ बताए क्यों बनाऊँगा, चीज़ बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं, चीज़ जब बेचूंगा ना भाई बहुत सारे पैसे आएंगे फिर। और गाइस यहाँ पे 6 मैंने मिल्किंग कैन ले आया था और अभी ये मैंने उस साइड पे सजा के रख दिया है। और ये वाला जो मिल्किंग कैन है ना, 4 ये पूरा भरा हुआ है। ओके, अभी जो दूसरा वाला कौन है इसको तो मैं ले चुका हूँ, इससे मिल्क ले चुका हूँ। अब दूसरा वाला जो कौन है उससे भी मिल्क ले लेता हूँ मैं। चलो और कुछ ज़्यादा, ओ भाई ये तो फुल हो चुका है, इसको मैं साइड कर देता हूँ एक सेकेंड। ये फुल हो चुका था और ये जिसके मत्थे पे ये सींग होता है ना, ये बुल होता है। ये वाला काम बाकी है, इसका भी दूध हो गई है तो जल्दी से मैं इसका भी दूध निकाल लेता हूँ। अभी ये वाला काम, अरे रह कहाँ जा रही हो तुम लोग, इधर आओ मेरे पीछे आओ, जल्दी भाग के आ चुकी हो। अब इससे मैं दूध निकाल लूंगा। चलो तुम्हारा, तुम तो बच्चे हो अभी, साइड हो जाओ, जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हारा दूध निकालूंगा। और ये वाला काऊ के से मैं दूध निकाल लिया था क्या, पहचानने में नहीं आ रहा कि कितने काऊ से मैंने दूध निकाला था, इतने हो चुके ना। चलो इससे मैंने निकाल लिया था, इससे भी निकाल लिया था और ये वाला बाकी था गाइस। अभी ये 42 लीटर हो चुका है ना, तो भाई इसको भी साइड कर देते हैं। अभी टोटल हमारे पास 6 मिल्किंग कैन है, 1 2 3 4 5 6 मिल्किंग कैन पूरा भरा हुआ है, तो कितने सारे चीज़ आएंगे भाई फिर सोच लो फिर। ओके गाइज, यहाँ पे जितना भी काऊ था ना उन सब से मैंने मिल्क निकाल लिया है, अभी बाहर निकलते हैं। इनका खाना भी मैं फुल कर देता हूँ, वैसे फुल ही रहता है इनका, तो मैंने फिल्टर लगाया ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। और गाइज मैं आप लोगों को ले चलता हूँ पिक के बना उस पर। अभी देखो भाई जो मीट था ना, मैंने इसको भाई कूलर पे पैकेट कर लिया मैं, बाकी कुछ मीट यहाँ पे पड़े हुए हैं इसको भी मैं भर लूंगा कूलर पे। और इस साइड पे कुछ पिक्स मरे पड़े हुए हैं, तो ऐसे ये काम बाद में करेंगे। और देखो भाई अभी मैंने जस्ट पिछले वाले वीडियो पे सारे पिक्स को क्लियर किया था, अभी देखो भाई दोबारा से पिक हो चुका है मतलब। ओके गाइस यहाँ पे मैं काऊ के बना उस पर दोबारा आ गया हूँ। यहाँ पे जो 6 मिल्किंग कैन के अंदर मिल्क था ना, ये इन सारे मिल्क को, मिल्किंग कैन को हमें किचन के अंदर ले जाना पड़ेगा ताकि मैं इन मिल्क से चीज़ बना सकूँ। सो गाइस जल्दी से हम चलते हैं अपने किचन में इन मिल्किंग कैन को लेकर। अभी यहाँ पे मैं बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि भाई मैं खुला नहीं रख सकता, दरवाज़ा साले इतने हरामी होते ना, निकल जाते हैं। ये देखो भाई, ये देखो जैसे मैं खोल रहा हूँ ना मुंह निकाल रहे हैं बाहर। मैं तुम लोगों को किस लिए लेकर आया था, खाना पानी तो दे ही रहा हूँ तुम लोगों को, और क्या चाहिए तुम लोगों को, बाहर क्यों जाना है। अब मिल्किंग कैन को मैंने बाहर लगा दिया है, अभी गाड़ी के अंदर लोड करता हूँ और अपने किचन के अंदर ले चलते हैं। ये देखो बाकी यहाँ 2 रह गए हैं ना, इसको भी मैं लेकर आता हूँ, पहले तो ये रख कर आते हैं हम। अभी मिल्किंग कैन को लेता हूँ मैं और यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ से लगा देता हूँ, यहाँ पे अनलोड कर लेता हूँ जितना भी मिल्किंग कैन है ना। ये हो गया और ये आखिरी वाला है, इसको मैं लेके चलता हूँ बाकी। ओके इसको मैं इस साइड पे कर देता हूँ और एक बस्केट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और अपने पास यहाँ पे गाइस मोल्ट पड़ा हुआ है, तो मोल्ट से हम बनाएंगे। अभी इसको मैं साइड कर देता हूँ, इसको साइड कर देता हूँ। चलो हम मोल्ट का चीज़ बनाएंगे तो और महंगा बिकेगा, तो इसीलिए हम मोल्ट लेकर आए थे ना, वाइट मोल्ट है, ब्लू मोल्ट है। चलो अब अभी क्या है ना, ये वाला खाली है, इसको साइड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। चलो अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो मिल्किंग कैन है ना इसको भाई ये पैन के अंदर डालना पड़ेगा मिल्क, और इसमें 7 लीटर मिल्क आते हैं, तो यहाँ पे मैं सभी में मिल्क डाल दिया हूँ। 3 पैन हमारे पास हैं, तो मैंने
तीनों पैन में मिल्क डाल दिया है, ठीक है। अभी मिल्क के बाद यहाँ पे मोल्ट डालना पड़ेगा, यहाँ पे एक मोल्ट डाल दिया और एक मोल्ट खत्म हो गया क्या ये, और ये वाला भी डाल देता हूँ। तो तीनों पैन के अंदर मैंने मोल्ट डाल दिया है, अभी ये जो ना दूध को गर्म करना पड़ेगा बस, और अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। चलो यहाँ पे मैंने दूध को गर्म करने के लिए दे दिया है, और ये वाला आखिरी पैन था ना इसको मैं डाल देता हूँ, और अभी ये वाला मोल्ट भी डाल देता हूँ। ब्लू मोल्ट है, जब तक ब्लू मोल्ट है ब्लू मोल्ट डालेंगे, उसके बाद व्हाइट मोल्ट डाल दूंगा मैं। और यहाँ पे काफी सारा पैन लेकर आना पड़ेगा, अभी तो अपनी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। और गाइज मैं सोच रहा हूँ ना एक अलग से किचन बनाऊंगा मैं, ठीक है। और इसको मैं बाहर निकाल लिया, बाहर निकालने के बाद ही इस तरीके से मैं रख देता हूँ, और एक ही साथ मैं ले जाऊंगा तभी मैं लगा दूंगा। चलो अभी इसको भी गर्म करना पड़ेगा, और पहले पैन को तो बाहर निकाल लेते हैं। चलो इसको मैं गर्म करने के लिए दे देता हूँ, और अभी ये 14 लीटर है ना, और ये खाली हो चुका है। खाली वाले मिल्किंग कैन को मैं साइड कर देता हूँ। अभी तीन ब्लू मोल्ट है इसके 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 अंदर डाल देता हूँ। अभी ब्लू मोल्ट पूरा खत्म हो चुका है अपने पास, और ब्लू मोल्ट नहीं है, दुकान से खरीद कर ले आना पड़ेगा। चलो और ये भी हो चुका है, तो इसको मैं साइड कर देता हूँ। अभी इसको मैं लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से, और ये मिल्किंग कैन भी मिल्क लगा देता हूँ यहाँ पे, और ये भी हो चुका है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये भी हो चुका है, बाहर निकाल लेते हैं। अभी है ना व्हाइट मोल्ट डालते हैं, अपने पास ब्लू मोल्ट खत्म हो चुका है, तो व्हाइट मोल्ट डाल के बनाएंगे। चलो व्हाइट मोल्ट डाल लिया मैंने, और इसको बनने के लिए दे दिया व्हाइट मोल्ट, ये रहा डाल दिया। चलो ये भी हो गया, इसको भी बाहर निकाल लेता हूँ मैं, और ये भी कंप्लीट हो गया। ये खाली हो गया ना, इसको साइड कर देता हूँ जो भी खाली हो जा रहा है। ओके गाइस ये आखिरी वाला है ना, हमारे पास और कोई मोल्ट बचा ही नहीं। यहाँ पे जितना भी हो सकता ना मैंने ब्लू मोल्ट और व्हाइट मोल्ट से बना लिया है चीज, और अभी जितना भी चीज देख पा रहे हो ना ये कच्चा वाला है, मतलब इसको भाई चीज बनने के लिए देना पड़ेगा। तो अभी एक एक उठाते हैं, और ये जो चीज रखने का जगह है यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ मैं। चलो भाई कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे, जब ये 100% हो जाएगा ना तब जाकर बेचेंगे भाई, तब काफी सारे इनकम आएंगे इससे, देखना भाई। और अभी मुर्गी को मैं चेक कर लेता हूँ कि मुर्गी का हालत कैसे है, बाकी तो काफी सारे मर गए हैं यहाँ पे। चलो ये खाना ढूंढ रही थी, मैंने खाना दे दिया है। चलो भाई इन लोगों के लिए खाना लाना पड़ेगा, और बाल्टी में पानी है तो पानी फिल कर देता हूँ मैं इन लोगों के लिए। ओके गाइस हमारे पास बहुत सारा हनी भी था, और हनी को भी बेचकर आता हूँ मैं, क्योंकि जब तक चीज बन रहा है तब तक यहाँ पे हनी को मैं बेचकर आ सकता हूँ। और यहाँ पे टोटल हमारे पास 7 बैरल हैं, तो काफ़ी सारे यहाँ से भी इनकम आ जाएंगे। और दो डब्बा देख पा रहे हो ना, इन डब्बे में जो पुराना सामान है, और जो सॉसेज मशीन मैंने लेकर आया था ना हैंडिंग वाला, वो मैं बेच दूंगा भाई, वहाँ पे घर में रखने का जगह ही नहीं है। चलो यहाँ पे मैंने लोडिंग सेक्शन पे लगा दिया गाड़ी को, और ओपन कर लेता हूँ जनरल स्टोर आ गया मैं, और यहाँ पे देखता हूँ सेलिंग में कितना दे रहा है। ओके बैरल को तो मुझे सेल नहीं करना, मुझे हनी सेल करना है, और मैनुअल सॉसेज स्टफर ये भी सेल करना है। ओके गाइस यहाँ पे मैंने सब कुछ सेल कर दिया है, बस अपने बैरल को छोड़ के $2,500 हमारे पास आ चुके हैं, मतलब कमा चुके हैं। ओके गाइस यहाँ पे जितना भी सामान था ना मैंने बेच दिया है, और $2,700 यहाँ पे कमाई हो चुकी है। अभी जल्दी से चलते हैं अपने रेंज पे। अब बैरल को यहाँ पे रख देता हूँ मैं लाइन से। ओके गाइस यहाँ पे मुझे जनरल स्टोर से कुछ सामान लेना था अपने चिकन के लिए, और तो मिल्किंग कैन लिया हूँ यहाँ पे, ये छोटा मोटा काम तब तक कर लेता हूँ और जब तक चीज बन के रेडी नहीं हो जाता।
ओके गाइस, अभी एक बार चेक करके देख लेते हैं कि अपना जो चीज़ है ना वो रेडी हुआ है या फिर नहीं रेडी हुआ। यहाँ पे जो व्हाइट मोल्ड वाला चीज़ है ना वो जल्दी रेडी हो गया है, और जो ब्लू मोल्ड वाला चीज़ है वो अभी रेडी होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी 30% है रेडी होने में। तो जैसे ये रेडी हो जाएगा उसके बाद हम बेचने के लिए चलेंगे। सो जो यहाँ पे चीज़ बन के रेडी हो गया ना उन सभी को यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। और मैं पहले सोच रहा था ना ये चीज़ ख़राब हो चुका है, तो ये ख़राब नहीं हुआ, ये जो चीज़ है ना ये मोल्ड डाला हुआ है ना, तो इसीलिए कुछ ऐसा दिख रहा है ये। चलो भाई, मैं पहले सोचता था कि ये ख़राब हो गया ये, लेकिन ख़राब नहीं हुआ ये। ये रहा चीज, अभी जितना हमारे पास चार चीज यहाँ पे पड़े हुए हैं ना, इन सभी चीजों का यहाँ पे रख देते हैं। चलो भाई, यहाँ पे बहुत ज्यादा रात हो चुकी है काम करते करते, अभी मैं चल के सोता हूँ और सुबह उठकर देखेंगे कि सुबह उठकर चीज को बेचेंगे फिर। सो गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह, अभी जल्दी चलते हैं और देखते हैं कि अपना चीज़ है ना वो बन के रेडी हुआ है या फिर नहीं हुआ। भाई कितना टाइम लेगा यार, ये वाला जो चीज़ है ना ये रेडी हो चुका है और 97% हो गया है, तो कुछ टाइम मुझे वेट करना पड़ेगा। अब ब्लू मोल्ड जो चीज़ होता है ना वो बनने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। ओके गाइस, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि चीज़ रेडी हुआ है या फिर नहीं हुआ। ओके, फिलहाल यहाँ पे चीज रेडी हो चुका है और ये जो चीज है ना ये ब्लू मोल्ड वाला चीज है, ये रहा। और मुझे अभी कूलर में ये सब पैक करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे है ना। और तब तक गाइस मैंने क्या काम किया ना, मैंने यहाँ पे प्लैंक्स बना लिया है लॉक्स का, और ये बाद में काम आ जाएगा जब मैं चिकन कूप बनाऊंगा। और यहाँ से बाहर से मैं कूलर लेकर आता हूँ और इन सब के अंदर ये जो चीज है ना पैक कर लेता हूँ इन सभी चीज को। और ये व्हाइट मोल्ड वाला चीज़ है तो इसको मैं अलग रखूँगा, और जो ब्लू मोल्ड वाला चीज़ है ना इसको मैं अलग पैकेट पे रखूँगा। चलो भाई, यहाँ पे ब्लू मोल्ड चीज़ है ना वो 6 है और जो व्हाइट मोल्ड चीज़ है ना वो भी 6 है। अभी देखते हैं कि ये जो चीज़ है ना इन दोनों में फ़र्क कितना है, कितने प्राइस में इन दोनों बिकते हैं। तो अभी जल्दी चलते हैं बेस्ट बर्गर पे, अगर प्राइस हाई चले तो भाई और भी ज़्यादा अच्छा होगा फिर। और अपने गाड़ी पे लोड कर लेता हूँ मैं दोनों पेटी को। अभी जल्दी चलते हैं बेस्ट बर्गर पे। ओके गाइस, यहाँ पे मैं बेस्ट बर्गर पे पहुंच गया हूँ और लोडिंग वाले सेक्शन पे भी मैंने रख दिया अपने गाड़ी को। और देखते हैं कि यार मीटबॉल पोर्क सॉसेज, अभी देखो पोर्क सॉसेज का प्राइस कितना हाई चल रहा है, यहाँ पे 1.6 मल्टीप्लाइड प्राइस चल रहा है, तब क्यों नहीं देते हैं जब मैं बेचने के लिए आता हूँ। वो भाई सब देख सकते हो, 6 ब्लू मोल्ड का प्राइस $990, सिर्फ 6 ब्लू मोल्ड $165 के एक पीस मिलते हैं, और जो व्हाइट चीज मोल्ड वो $100 के एक बिक रहे हैं, तो 6 है तो $600, तो हमें टोटल यहाँ पे $1590 हो रहे हैं। तो अभी मैं सेल कर देता हूँ, अभी जो मैंने सेल किया ना वो बहुत कम था, अभी जो क्वान्टिटी जब बढ़ा दूंगा ना बहुत सारे पैसे इनकम हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे डॉलर यहाँ पे इनकम हो जाएंगे। तो अभी जस्ट मैंने चेक करने के लिए ये प्राइस किया था। अभी गाइस यहाँ पे चलते हैं अपने रेंज पे। ओके गाइस, यहाँ पे मैं अपने रेंज पे आ गया हूँ। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो जरूर से पसंद आया होगा गाइस, और अगले वाले वीडियो पे मुझे क्या करना चाहिए चीज़ का प्रोडक्शन वगैरह ये सब चीज़ें मुझे कमेंट में सजेशन देते रहना आप लोग। और पसंद है तो जरूर से लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना गाइस। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। सो तब तक के लिए भाई गुड बाय, और मैं अगले वाले वीडियो पे देखूंगा क्या बना सकता हूँ। चलो भाई गुड बाय।